सीनियर साफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक नौशिरवान कदीम ईरान का मशहूर बादशाह था। ये 531 से 579 तक बादशाह रहा। नौशिरवान के अदल ने इसे तारीख में हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। लेकिन नौशिरवान हमेशा ऐसा नहीं था। ये ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में अहम राजा महाराजा और बादशाह था। ये बादशाह बना तो इसने भी वो तमाम काम शुरू कर दिए जो बादशाह लोग किया करते हैं। इसको कोई बाग पसंद आ गया, किसी का माल घोड़ा कारोबार दुकान या बीवी पसंद आ गई तो इसने इस पर कब्ज़ा कर लिया। इसको किसी शख्स का चेहरा अच्छा ना लगा, इसका सर कलम करवा दिया। कोई भेड़े चराने वाला पसंद आ गया, इसे मशीर बना दिया। किसी वज़ीर मुशीर या सफ़ीर का मशवरा पसंद ना आया तो इसे जेल में फेंकवा दिया। मुफ्त रोटी का आइडिया आया तो पूरे मुल्क में मुफ्त रोटी के तनूर लगवा दिए। ख़ज़ाना खाली हुआ तो तमाम ज़मीनों कारखानों और बाज़ारों पर कब्ज़ा कर लिया। फ़ौज बनाने का खब सवार हुआ तो मुल्क के तमाम नौजवान भर्ती कर लिए। नौशिरवान के इन इकदामात ने ईरान को इस सतह पर पहुँचा दिया जहाँ माशाल्लाह आज हमारा मुल्क है। ईरान दिवालिया हो गया, शहर उजड़ गए, देहात वीरान हो गए, खेत खुश्क हो गए, कुओं का पानी उतर गया, दरिया नदी और नाले गायब हो गए, कारोबार बंद हो गए, सरमायाकार नकल मकानी कर गए, गोया ईरान पाकिस्तान बन गया। नौशिरवान वीरानी और जाड़े के इस मौसम में एक दिन शिकार के लिए निकला। इसका एक मुशीर भी इसके साथ था। ये मुशीर जानवरों और परिंदों की बोली समझता था। दोनों देहात की तरफ निकल गए। रास्ते में एक वीरान गांव आ गया। नौशिरवान सस्ताने के लिए गांव में रुक गया। गांव में कोई बंदा बशर ना था और ना ही कोई जानवर। नौशिरवान एक उजाड़ दरख्त के नीचे लेट गया। इस दरख्त पर दो उल्लू बैठे थे। उल्लू नौशिरवान को देखते थे और एक दूसरे के कान में खुसर फुसर कर रहे थे। नौशिरवान ने अपने मुशीर को बुलवाया और इससे पूछा, ये उल्लू आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? मुशीर ने गौर से उल्लुओं की बातचीत सुनी और शर्मा गया। बादशाह ने पूछा, ये क्या कह रहे हैं? मुशीर ने बादशाह से अर्ज़ किया, हजूर ये दोनों बुज़ुर्ग उल्लू हैं, ये अपने बच्चों का रिश्ता तय कर रहे हैं। एक उल्लू दूसरे उल्लू से मुतालबा कर रहा है, मैं जहेज में ऐसे 20 उजड़े हुए गाँव लूँगा जबकि दूसरा 10 देना चाहता है। लेन देन की ये बहस पिछले 2 दिनों से जारी है लेकिन ये अब NRO पर पहुंच गए हैं। मुशीर खामोश हो गया। बादशाह ने पूछा, ये किस समझौते पर पहुंचे हैं? मुशीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने अर्ज़ किया, हजूर ये गुस्ताखी है, मैं आपके सामने ये जुर्रत नहीं कर सकता। बादशाह उठकर बैठ गया। इसने सख्ती से कहा, तुम बताओ, ये हमारा हुक्म है। मुशीर ने जान की अमान तलब की और डरते डरते अर्ज़ किया, जनाब लड़की वाले उल्लू ने लड़के वाले उल्लू से कहा, तुम नीचे देखो, हमारे दरख्त के नीचे नौशिरवान बैठा है। ईरान इसकी मेहरबानी से तेज़ी से उजड़ रहा है। तुम इसके इक्तदार की तवालत की दुआ करो। ये बादशाह सलामत रहा तो मैं तुम्हें 20 क्या 200 गाँव जहेज में दूँगा। ये बात बात नहीं थी, ये तीर था और ये वो तीर सीधा जो नौजवान बादशाह के दिल से पार हो गया। वो उठा, घोड़े पर बैठा, शहर वापस आया, दरबार में गया और वहाँ से एक नए नौशिरवान का आगाज़ हो गया। नौशिरवान ने पूरे मुल्क में इंसाफ कायम कर दिया। चपरासी से लेकर बादशाह तक हर शख्स इंसाफ के सामने जवाब देता। इंसाफ कायम हुआ तो मुल्क में अमन हो गया। अमन हुआ तो खेतियाँ बाजार संतें और मंडियाँ आबाद हो गई। मंडियाँ आबाद हुई तो लोग खुशहाल हो गए। खुशहाली आई तो इत्मीनान आ गया। इत्मीनान आया तो फ़नून लतीफ़ा की आँख खुल गई। मुसव्वरों ने तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। शायर शेर कहने लगे, मौसीकार धुने बनाने लगे, मुहक्किक तहकीक करने लगे, अदीब अदब तख्लीक करने लगे, अदाकार अदाकारी के जोड़ दिखाने लगे। ये मनाजर हमसाया ममालिक के अवाम ने देखे तो अवाम ने अपने ज़ालम बादशाहों के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। वो तमाम मुल्क जदोजदल के बग़ैर नौशिरवान के मुल्क का हिस्सा बन गए। इस तरह नौशिरवान की सल्तनत काबुल से अनातोलिया और ताशकंद से मकदोनिया तक फैल गई। नौशिरवान महज नौशिरवान ना रहा, नौशिरवान आदल हो गया।
और दुनिया आज 1400 साल बाद भी इसे आदल कहती है। आज पाकिस्तान भी नौशिरवान का कदीम ईरान है। हमारे मुल्क में उजाड़ फैल रहा है, हर उजड़े हुए बर्बाद इदारे, हर खुशक दरिया, हर टूटे डैम, हर शहरी बर्बादी की धूल में दफन हर कस्बे की मंडेर पर उल्लू बैठे हैं। ये उल्लू एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं, तुम फिक्र ना करो, अगर ये हुक्मरान सलामत रहे तो मैं तुम्हें 200 शहर दे दूँगा। लेकिन इस मुल्क में इन उल्लुओं की सरगोशियाँ सुनने वाला कोई नौशिरवान मौजूद नहीं। ये सब गासब ज़हनियत के बीमार लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इक्तदार, दौलत, इख्तियार और अपनी नासूदा ख्वाहिशात को गन्ने का रस पिलाना है। इन सब ने लाइफ जैकेट्स पहन रखी हैं, चुनाचा इनकी बला से ये कश्ती डूब जाए या तर जाए, ये अपने मुस्तकबिल या अपने कल से मुतमिन है। ये लोग कश्ती डूबने के बाद किसी पुरामन ठंडे और खुशहाल जजीरे में चले जाएंगे। हम सब दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, हम में से कोई शख्स इस दुनिया में ठहर नहीं सकता। हम 60-70 साल की ज़िंदगी में 3 किस्म के काम करते हैं। हमारी पहली किस्म के काम दुनिया से मुतल्लिक होते हैं, दूसरी किस्म आखरत से होती है, और तीसरी किस्म के कामों का ताल्लुक इंसानियत से होता है। हम दुनिया से रुखसत होते हैं, दुनिया और आखरत से मुतल्लिक तमाम कामयाबियाँ पर्दे के पीछे चली जाती हैं। हमने कितनी दौलत कमाई, कितने बड़े ओहदे लिए, हमने सियासी, मुआशी और समाजी लिहाज से कितनी कामयाबियाँ हासिल की, हमारी 2 नस्लों के बाद इनका तज़किरा तक ख़त्म हो जाता है। हमने कितनी नमाजें पढ़ी, हमने कितने रोज़े रखे, हमने कितने उम्रे और हज किए, और हमारे माथे पर कितना बड़ा मेहराब था। लोग चंद बरस बाद ये भी भूल जाते हैं, लेकिन इंसानियत के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाता है। इमाम बुखारी ने 6 लाख हदीस जमा की, ये इंसानियत की खिदमत थी। इमाम बुखारी आज 1150 साल बाद भी ज़िंदा है। मौलाना रूम ने 1263 में तसव्वुफ में मोहब्बत के 40 असूल मुतारफ करवाए, वो आज भी ज़िंदा हैं। इब्ने खुलदून ने 1373 में इस्लामी तारीख लिखी, मुआशरत का मुकदमा तहरीर किया, ये आज भी आज तक ज़िंदा, और इनसे पहले सुकरात, बुकरात, अफलातून और अरस्तु ज़िंदा हैं, और हमारे बाद चिकन ब्रायलर, गंदम की नई किस्में, कैंसर की दवा और शिया सुन्नी के दरमियान मोहब्बत ईजाद करने वालों का नाम सैकड़ों हज़ारों साल तक ज़िंदा रहेगा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम कहाँ जाए, इन बेचारों का क्या बनेगा जो भूखी बिल्लियों की तरह हर दरवेश को निजात दहिंदा समझकर इसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। ये बेचारे कहाँ जाएंगे, ये किसके सहारे ज़िंदगी गुजारेंगे, आइंदा इलेक्शन में ये किसको वोट देंगे, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या आसिफ अली जरदारी। ये तीनों जब इक्तदार में आते हैं तो एक ही रवश पर चल पड़ते हैं।